साल में 13,000 लोगों की हम जान बचा चुके हैं स्कीम के तहत, क्योंकि एक्सीडेंट होता है लोग कोई उसको उठा के नहीं ले जाता अस्पताल, उसे लगता है मैं अस्पताल ले गया तो मेरे पल्ले पड़ जाएगा। हमने कहा आप अस्पताल ले जाओ, उसका सारा खर्चा हम देंगे, बस अस्पताल में ले जाकर उसको एडमिट करा दो। तो ये 5 गारंटी आज मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहा हूँ। एक दो चीज़ें और बात करना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं आया था, लगभग महीना डेढ़ महीना पहले, तो कई सारे पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन धरने पे प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। तो उनकी एक डिमांड ये थी कि जो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति सेना में शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तो उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता। दिल्ली में हम लोग, दिल्ली का रहने वाला अगर कोई भी व्यक्ति फौज में है और काम कर रहा है और बॉर्डर पे शहीद हो जाता है, हम उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं। तो उस टाइम मैंने उनके बिहाफ पे मैंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। मुझे बेहद खुशी है कि कल गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि वो भी अपने पूर्व सैनिक कोई भी शहीद होगा तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। मैं इसके लिए गुजरात सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक डिमांड और है मेरी, हमारी दिल्ली में जो स्कीम है उसमें सैनिक भी शामिल हैं और पुलिस वाले भी शामिल हैं, क्योंकि पुलिस भी अपनी जान जोखिम में डाल के उनको बचाती है। तो अगर कोई पुलिस वाला भी किसी ऑपरेशन में शहीद हो जाता है, उसके परिवार को भी मैं खुद उनके घर जाके 1 करोड़ का चेक दे के आता हूँ। तो गुजरात पुलिस के भी कर्मचारियों को इस पे शामिल किया जाए 1 करोड़ रुपए वाली स्कीम के अंदर, कि अगर गुजरात पुलिस का भी कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उसको भी 1 करोड़ मिलेगा। दूसरी चीज़, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है कि ये जो 1 करोड़ इन्होंने ऐलान किया है, इन लोगों की मंशा नहीं है करने की। 3 महीने बाद चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी भी राज्य में नहीं किया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, मध्य प्रदेश में भी नहीं किया, हिमाचल में भी नहीं किया, यूपी में, गुजरात में किया क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है। तो जनता ऐसा कह रही है कि इनकी मंशा नहीं है करने की। पहले 1 लाख रुपए देते थे, अभी तक वो भी देते नहीं थे, कागजों में थे, लोगों को धक्के खाने पड़ते थे 1 लाख रुपए लेने के लिए भी। मेरा ये निवेदन है गुजरात सरकार से, अगले 10 दिन के अंदर पिछले 5 साल में जितने भी शहीद हुए हैं लोग, उनको सबको 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, ताकि जनता को भरोसा हो कि आप देंगे, आप झूठा ऐलान नहीं कर रहे। और अगर गुजरात सरकार नहीं देती तो हमारी सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर 5 साल में जितने गुजरात के रहने वाले शहीद हुए, उन सबके परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। एक बात की, स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो एम्प्लॉयज हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो काम करने वाले हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैं ऐलान करता हूँ कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर उनकी जितनी मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी की जाएंगी। सभी गुजरात सरकार के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दूसरे कर्मचारियों से उनसे निवेदन करता हूँ कि जब आप बसों में चल रहे होते हैं, एक एक यात्री को बोलो कि अब बदलाव चाहिए गुजरात को, अब बदलना है। एक एक यात्री को बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है। सारे ड्राइवर, सारे कंडक्टर लग जाओ, 3 महीने का टाइम है, सब लोग एक एक यात्री को, हर बस के अंदर एक एक यात्री को बोलो और खड़े होकर सामने बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है, आपका काम करने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी तनख्वाह 1 महीने के अंदर हम बढ़ा देंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई, और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं, राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज हैं, सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3-4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी, किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है, किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी, इससे देश का भला होगा क्या? क्या चेंज कर दिया? सीबीआई की रेड होने के बाद नहीं किया, 1 अगस्त को किया था। उसका कारण है 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर, एक एक करके 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर,
अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया। एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, अगर हम वो नहीं करते सारी दुकानें बंद हो जाती और वहाँ पे नकली दारू बिकनी चालू हो जाती जैसे आज गुजरात के अंदर है। इसलिए हम पुरानी वाली पॉलिसी पे चले गए। पुरानी पॉलिसी में 100 कमियां हैं लेकिन कम से कम नकली दारू तो नहीं बिक रही है। हमारे को कोई लालसा नहीं है, जैसा मनीष जी ने कहा ये सीएम बनने नहीं आए और मैं भी पीएम बनने नहीं आया, हमारा एक ही सपना है। 75 साल हो गए हमारे देश को, अभी तक हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद जो देश आजाद हुए वो हमसे आगे चले गए, सिंगापुर आगे चला गया, जापान आगे चला गया, जापान तहस नहस हो गया था, जर्मनी तहस, हम पीछे क्यों रह गए? वो इन्हीं लोगों की वजह से रह गए, अगर इनके भरोसे। तो अब हमारे पास हमें सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। मेरा एक ही सपना है, भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना है। वो नेता और पार्टियां नहीं कर सकते, आप सब लोगों के साथ मिलकर 130 करोड़ लोगों को एक साथ मिला के और इस देश को नंबर वन बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। जो पॉलिसी आज नशाबंदी की चल रही है वो नशाबंदी की पॉलिसी लागू रखेंगे लेकिन गैर कानूनी शराब का धंधा नहीं करेंगे। वो धंधा करते हैं, 10,000 करोड़ की दारू का धंधा करते हैं, ये उनका धंधा है। हम अपनी पार्टी को गैर कानूनी शराब बेच के नहीं चलाएंगे। नहीं, मैं समझा नहीं, वो ये कराते हैं ना दूसरी पार्टी वाले। दूसरी पार्टी वाले सब कुछ कर सकते हैं, गुजरात के लोग नहीं करेंगे, ये दूसरी पार्टी वाले करेंगे। गुजरात के लोग बिल्कुल नहीं, गुजरात के लोग अब हमें प्यार करते हैं, गुजरात के लोग इनके 27 साल के शासन से तंग आ चुके हैं। अच्छा, आप एक छोटी सी चीज बताओ, कोई आदमी अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है आप उसे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। कोई अगर आपके परिवार का अच्छा इलाज करा देता है आप उसे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? कोई कहता है मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा, ये तो करते नहीं है सब, मैं करता हूं तो मेरे से क्यों नहीं प्यार करेंगे गुजरात के लोग यार? वो तो आरोप लगाते रहेंगे, उनको मत सुनिए आप, गुजरात की जनता को सुनिए। गुजरात आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस, एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक हो रहा है बस ये, दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही।